बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर का फॉर्म भराए हुए लगभग 6 मंथ हो चुके हैं। 6 मंथ होने के बाद भी अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। आपके मन में क्या, जो विभाग ने यह बहाली निकाला है, यानी कि बेल्ट्रॉन ने यह बहाली निकाला है, बेल्ट्रॉन के मन में खुद अपने ही निकाले गए नोटिफिकेशन पर डाउट है, तो आपके मन में तो डाउट होंगे ही होंगे। अगर बेल्ट्रॉन को अपने ही निकाले हुए नोटिफिकेशन पर डाउट नहीं होता तो बेल्ट्रॉन केवल 1 से 1.5 पेज का नोटिफिकेशन नहीं निकालता। बहुत सारे ऐसे हिडन टर्म एंड कंडीशन है जो कि बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं निकाला है। अगर निकाला भी है तो आधा अधूरा बात लिखकर उसे पल्ला छुड़ा लिया है। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम कब होने वाला है। हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 से 8 सितंबर के बीच में हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि आप ही में से एक दोस्त हैं जिनका एक मित्र TCS में कंपनी में काम करते हैं, जो TCS कंपनी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनो का एग्जाम देने वाला है। तो उसमें उनके मित्र काम करते हैं, उन्होंने बताया था कि TCS ने बेल्ट्रॉन के एग्जाम के लिए 2 से 8 सितंबर का टाइम जो है वो शेड्यूल किया हुआ है, जो अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 से 8 सितंबर के बीच में हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एग्जाम न भी हो। जब तक बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी न्यूज नहीं आता है, तब तक आप इन सब बातों पर 100% विश्वास न करें। लेकिन हाँ, आंशिक रूप से इन बातों को मानते हुए आप अपनी तैयारी और जोरों शोरों से कर सकते हैं। यही सोचकर हम भी आपके लिए वीडियो बना देते हैं कि चलो, हो सकता है कि अगर 2 से 8 सितंबर के बीच में अगर एग्जाम हो जाता है तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लें। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा, जब तक बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज नहीं आता है, तब तक आप इन बातों पर 100% विश्वास ना करें। अब बात कर ले तो इस वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट भी किए थे। कमेंट यह किया था कि कितने पर पास होगा CBT में, SC ST महिला OBC जनरल जो है वह कितना नंबर लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने हर वीडियो में यह कहा हुआ है कि अगर आप महिला और SC ST हैं तो आपको 24 नंबर लाना है, अगर आप PH हैं यानी कि हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 21 नंबर लाना है या 22 नंबर लाना है। जिसमें से आपने कमेंट किया हुआ है कि नहीं, 27 नंबर लाना है महिला SC ST को। आप जब बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि महिला और SC ST को 10% का छूट दिया जाएगा। 10% का छूट अगर बात किया जाए तो जनरल को चूंकि 50% नंबर लाना है, यानी कि CBT में अगर 60 क्वेश्चन है तो उसमें 50% नंबर लाना है, यानी कि 30 नंबर लाना है। वहीं अगर 10% छूट दिया जाए SC ST और महिला को, तो आप जानते हैं कि आपको 40% नंबर लाना है, यानी कि 6 का 24 नंबर आपको लाना होगा। वहीं PH को अगर 15% का छूट दिया जाता है तो आपको 35% नंबर लाना होगा, यानी कि आपको 21 नंबर लाना होगा। ये मैंने आपको बताया, लेकिन आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन जो नोटिफिकेशन निकालता है और उसको जो हम समझते हैं, और उसके बाद जब बेल्ट्रॉन एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट निकालता है, इन तीनों बातों में बहुत सारी विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले बेल्ट्रॉन के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन पर चर्चा करूंगा आप लोगों से, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट भी देखेंगे कि बेल्ट्रॉन ने रिजल्ट क्या निकाला हुआ है, ठीक है। चूंकि बेल्ट्रॉन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उससे रिलेटेड मैंने उसके ऑफिस में भी बात किया, लेकिन वहां से भी मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहां से बस यही जवाब मिलता है कि अब जो भी उच्च कमेटी होगी वह फैसला लेगी कि किसको कितना पर पास करना है। जब उच्च कमेटी को ही फैसला लेना है तो फिर नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम चलेंगे नोटिफिकेशन पर कि क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है और कितना परसेंट किसको छूट दिया गया है, यह बात को समझते हुए, और फिर हम बेल्ट्रॉन का आपको रिजल्ट दिखाएंगे जो 2019 में रिजल्ट निकाला गया था कि उसमें कौन सा नियम को फॉलो किया गया है। फिर सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि किसको कितना नंबर लाना है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन पर और कुछ बातें समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, आप भी बहुत सारी बातें भूल गए होंगे। तो एक बार हम लोग बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन को रिकॉल कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला था, फिर हम चलेंगे उसके रिजल्ट पर। तो ये है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन जो कि 2/2/2024 को निकाला गया था। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। आप सभी जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वह 20/2/2024 से शुरू किया गया था, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर 2/2/2024 को पत्र के माध्यम से, इस पत्र का दिनांक जो है वह 2/2/2024 है, इसी के माध्यम से इस रजिस्ट्रेशन की सूचना दी गई थी।
आप सभी जानते हैं कि शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास पर यह वैकेंसी निकाला गया था और आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स और हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आपका अनुभव होना चाहिए था। आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए था या फिर आपके पास BSDM के द्वारा चलाए जा रहे DDEO डोमेस्टिक डाटा इंटरप्रेटर का भी सर्टिफिकेट आपके पास था 400 घंटे का, तभी आप ये फॉर्म भर सकते थे। उम्र सीमा की बात की जाए तो आपका 18 वर्ष से 59 वर्ष था, आप सभी जानते हैं। अगर आपका अधिकतम आयु 59 वर्ष था तभी आप इस फॉर्म को भर सकते थे। शुल्क आप सभी जानते ही हैं फॉर्म भरे हैं तो, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जिससे कि परीक्षा का सिलेबस आप जानते हैं कि NIUS का डाटा इंटरप्रेटर का जो कोर्स था 336 कोर उसी का सिलेबस था। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह पॉइंट है, कंप्यूटर आधारित MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि MCQ क्वेश्चन होंगे। आपको परीक्षा पे आपको कंप्यूटर पे परीक्षा देना होगा और आपको पास होने के लिए 50% अंक लाना होगा। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं कहा गया है कि 50% अंक किसको लाना है, सभी को लाना है। यहाँ पर यह कहा गया है सभी को लाना है यह भी नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे यह कहा गया है कि पास होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। अब SC ST कितना लाना है, महिला कितना लाना है, यहाँ पर यह क्लियर नहीं किया गया है। इसमें केवल कहा गया है कि 50% आपको अंक लाना है। MCQ परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। आप सभी जानते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब MCQ परीक्षा देने के बाद आपका उसी दिन टाइपिंग परीक्षा लिया जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि MCQ का रिजल्ट उसी दिन जारी कर दिया जाएगा, नहीं। MCQ में चाहे आप फेल हो चाहे पास हो उसका रिजल्ट बाद में निकलेगा। जो जो MCQ का परीक्षा देगा उन सभी को टाइपिंग देना होगा। अगर आपने हिंदी टाइपिंग चूज किया हुआ है तो आप हिंदी देंगे, इंग्लिश चूज किया हुआ है तो इंग्लिश देंगे, दोनों चूज किया हुआ है तो आप दोनों टाइपिंग देंगे। हिंदी में अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। आपको कंप्यूटर पर दक्षता परीक्षा देना है, कंप्यूटर का टाइपिंग जो आपने चूज किया हुआ है, आपको टाइपराइटर पर टाइपिंग का एग्जाम नहीं देना है, आपको कंप्यूटर पर ही टाइपिंग का एग्जाम देना है। आप याद रखिएगा प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। अगर आपने दोनों टाइपिंग चूज किया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों, तो उन दोनों के बीच में आपको कुछ समय का अंतराल देकर तब आपसे टाइपिंग लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर आपका लिया जाएगा, आप सभी ये जानते हैं। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट या हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट होगा। आप सभी जानते हैं कि आपको अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट लाना है और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लाना है, वो भी करेक्ट वर्ड। आप अगर कहीं टाइपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप जब टाइपिंग कर लेते हैं तो आपका वहां पे ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड दिखाता है, तो ग्रॉस स्पीड को आप नहीं लीजिएगा, आपका नेट स्पीड ही आपका करेक्ट वर्ड होता है। जितना आप करेक्ट वर्ड कीजिएगा वो आपका नेट स्पीड में दिखाएगा, तो आप नेट स्पीड को ही कंसिडर करके अपना स्पीड को देखिएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाएं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र को 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। ये पॉइंट जो है इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। बहुत सारी बातें छिपने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहा गया है निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% छूट दी जाएगी। मतलब कि आपका दक्षता परीक्षा मतलब ये जो कंप्यूटर है आपका दक्षता परीक्षा कंप्यूटर जो टाइपिंग आपका होगा, इस पर आपको 10% और 15% का छूट देने का बात किया जा रहा है, न कि CBT पर। मैं अभी आपको ये इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको केवल दक्षता परीक्षा पर ही 10% का छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको अगर 30 वर्ड पर मिनट आना है इंग्लिश में, तो अगर आप SC ST महिला है तो आपको 10% का छूट दिया जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपको छूट मिलेगा। 27 नंबर आपको लाना होगा, यानी कि 27 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए तो आप ये टाइपिंग पास कर जाएंगे। वहीं अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपको 15% का छूट दिया जाएगा, यानी आप समझ सकते हैं कि 4.5 अंक आपको छूट मिल सकता है। यानी कि आप अगर 25.5 वर्ड पर मिनट भी कर देंगे इंग्लिश में तो आप पास हो जाएंगे। और बात करें हिंदी में, तो अगर आप SC ST महिला हैं तो आपको हिंदी में भी 10% का छूट मिलेगा, यानी कि 2.5 अंक का आपको छूट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 22.5 वर्ड पर मिनट भी कर लेते हैं हिंदी में, अगर आप SC ST महिला हैं तो आप हिंदी में पास हो जाएंगे। वहीं अगर आप
पीएच है तो आपको 15% का छूट मिलेगा, यानी कि आप लगभग 21 या 20 नंबर मिला देंगे तो आपको हिंदी में आप पास हो जाएंगे टाइपिंग में। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं केवल दक्षता परीक्षा पर छूट देने की बात की जा रही है, न कि सीबीटी पर। लेकिन अभी आपको हम रिजल्ट भी दिखाएंगे कि बेल्ट्रॉन ने रिजल्ट कैसे निकाला है, क्या इस नियम को फॉलो किया है कि नहीं किया है। आगे पढ़ लेते हैं, सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल सिद्धायित करेगा। अब यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे सेवा प्रदाता एजेंसी का वर्ड का यूज किया गया है, मतलब कि बेल्ट्रॉन आपको अब सेवा प्रदाता एजेंसी को बेच देगा, यानी कि आपको उर्मिला चाची को आपको बेल्ट्रॉन क्या करेगा, बेच देगा। आपका जो भी पैनल होगा वह अब उर्मिला चाची यानी कि सेवा प्रदाता एजेंसी जो है वो आपका पैनल बनाएगा, और पैनल बनाने के बाद जहां से भी अध्याचना आएगी आपको उसी पैनल से उठाकर आपको उस विभाग में भेज दिया जाएगा। और उस विभाग में भेजने के लिए 100 आरक्षण रोस्टर पॉइंट का भी पालन किया जाएगा। 100 आरक्षण रोस्टर पालन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी विभाग से अगर 10 लड़कों का अध्याचना आएगा कि मुझे 10 लड़का चाहिए, तो उस 10 लड़का में मान लीजिए कि 4 जनरल हो जाएंगे, 2 महिला हो जाएंगे, फिर 2 SC ST हो जाएंगे, 2 OBC हो जाएंगे, 2 PH हो जाएंगे। तो ऐसे करके 100 आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, और उस जिस भी आप कैटेगरी में सबसे ऊपर होंगे तो आपका आपको उस विभाग में भेज दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको नोटिफिकेशन में आपको पढ़ने चाहिए थे, या आपने पढ़े होंगे, आप समझे होंगे। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट यही था कि यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि महिला या फिर SC ST जो भी है या PH है उनको CBT में 10% या 15% की छूट दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर यह कहा गया है कि दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी, यानी कि टाइपिंग में छूट दी जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं 2019 का रिजल्ट, कि 2019 के रिजल्ट में क्या बेल्ट्रॉन ने इस नियम को फॉलो किया है या फिर नहीं किया है, और किसको किसको पास किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2019 का आपका रिजल्ट है, जो कि 7311 लड़कों का रिजल्ट पब्लिश किया गया था 2019, जो भी परीक्षा में अभ्यर्थी बैठे थे, लगभग 7311 बच्चों का यह रिजल्ट है, जिसमें एक मैं भी था। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें वह नियम फॉलो किया गया है कि नहीं। अगर CBT में मान लीजिए कि 10 और 15% का छूट दिया गया होगा, तो मान लीजिए अगर 10% छूट दिया गया है SC ST महिला को, यानी 24 नंबर अगर लाए होंगे तो जरूर इसमें कोई पास किया गया होगा। तो देख लेते हैं क्या 24 नंबर पर किसी SC ST महिला का नंबर यहाँ पे है कि नहीं, या उनको पास किया गया है कि नहीं, रिजल्ट बना है कि नहीं, देख लेते हैं। उसके पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो ये कॉलम है आप पढ़ लीजिए कि सीरियल नंबर आपका है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर नेम है, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर पीएच है कि क्या आप पीएच है कि नहीं है, यहाँ पर जेंडर है, MCQ स्कोर यहाँ पे है कि आपका CBT में कितना स्कोर हुआ था, ये आपका इंग्लिश वर्ड पर मिनट है और यह हिंदी वर्ड पर मिनट है। अब देख लेते हैं कि 24 वर्ड पर मिनट इसमें कहीं है कि नहीं, क्योंकि ये MCQ है आपका, ठीक है। तो इसमें कहीं है कि नहीं आपको 24 नंबर, ये हम देख लेते हैं। अगर होगा तो हम मान लेंगे कि उस CBT में भी 24 नंबर यानी कि 10% का छूट दे रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पे है कि नहीं, इधर से तीसरे कॉलम में 24 नंबर है कि नहीं हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको नहीं लग रहा है कि 24 नंबर पे पास किया गया है इसमें, यानी कि 10% छूट आपका CBT में नहीं दिया गया है। अब हम देख लेते हैं 25 नंबर पे कि 25 नंबर पे भी इसमें कोई नंबर किसी को पास किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो 25 नंबर पे हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं ये 25 नंबर पे यहाँ एक हमको MCQ में पास मिला जो कि BC 1 से है, लेकिन ये क्या है, PH है। PH कैंडिडेट को 25 नंबर पे पास किया गया है, यानी कि PH कैंडिडेट को CBT में आपका छूट दिया जा रहा है, यानी कि जो 10% 15% छूट की बात की जा रही है PH को, वो सत्य होता दिखाई दे रहा है। 25 नंबर पे PH कैंडिडेट को पास किया गया है, और रिजल्ट देख लेते हैं कि और है कि नहीं है 25 नंबर पे पास। हो सकता है कि हमको जनरल या SC ST महिला कोई मिल जाए। यहाँ पर देखिए 25 नंबर एक और है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये भी क्या है, PH है। PH कैंडिडेट को 25 नंबर पे पास किया गया है, ठीक है। आगे और खोज लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं 25 नंबर पे और कोई है कि नहीं है। आप 25 नंबर देख सकते हैं कि एक और है वसीम अकरम जो कि BC 1 से है, लेकिन ये भी क्या है, PH है। यानी कि PH कैंडिडेट को 25 नंबर पे पास किया गया है, बाकी SC ST OBC या और कोई हमको महिला यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी एक है मंटू कुमार पंडित जो कि BC 1 से है, जो कि PH है।
यानी 25 नंबर पे केवल पीएच को पास किया गया है। अब 26 नंबर देख लेते हैं कि 26 नंबर पे किसी को पास किया गया है कि नहीं किया गया है। तो 26 नंबर पर देख लेते हैं, 26 नंबर पे किसी को पास किया गया है कि नहीं, कोई भी एससी एसटी या पी जनरल। यहाँ देख सकते हैं कि मेल है बीसी वन है इंतकाब आलम, लेकिन ये भी क्या है पीएच है। 26 नंबर पर भी केवल पीएच को ही पास किया गया है, हमको ऐसा लग रहा है। यानी कि ये रिजल्ट देखने के बाद ये तो क्लियर है कि पीएच कैंडिडेट को छूट दिया जा रहा है। राजकुमार जी हैं बीसी वन से हैं, लेकिन ये भी क्या है पीएच हैं। एक और देख लेते हैं रिजल्ट 26 नंबर पे, ये और कोई 26 नंबर पे है कि नहीं। 26 नंबर पे एक और मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमडी लाल बाबू जी हैं जो कि बीसी टू से हैं, लेकिन ये भी क्या है पीएच हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा 27 नंबर पे, 27 नंबर पे कोई भी एससी एसटी महिला जो है वो पास है कि नहीं है। 27 नंबर पे, 27 नंबर पे आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर ही चांदनी कुमारी हैं जो कि बीसी वन से हैं, जो कि पीएच कैंडिडेट नहीं है और फीमेल है, इनको 27 नंबर पे पास किया गया है। यानी कि 27 नंबर पे पास किया जा रहा है, यानी कि जो 50% नंबर लाना है सीबीटी में वो सबके लिए नहीं है, महिला एससी एसटी को छूट दिया जा रहा है सीबीटी में भी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एससी एसटी महिला अगर 27 नंबर ला देते हैं तो वो पास हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल है लेकिन ये एससी है संतोष कुमार जी, और ये पीएच नहीं है, इनको भी पास किया गया है। यानी कि एससी एसटी अगर आप हैं और महिला हैं तो आप मिनिमम 27 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जा रहे हैं। वही मैंने कहा कि बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन में कुछ और निकालता है कि 10% का छूट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जब निकालेगा तो वो कुछ और नियम फॉलो करेगा। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिए कि अगर आप एससी एसटी महिला हैं तो पिछले रिजल्ट के अनुसार अगर आपका 27 नंबर आता है सीबीटी में तो आप पास हो जाएंगे, आपको बेल्ट्रॉन सीबीटी में पास कर देगा। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका 25 नंबर भी आएगा तो आप पास हो जाएंगे, और अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनी हाउ 50% यानी कि 30 नंबर लाना ही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कितना नंबर का छूट मिलेगा। 24 नंबर या फिर 22 नंबर सीबीटी में आप पास नहीं हो पाएंगे, आपको 27 नंबर अगर आप एससी एसटी महिला हैं 27 नंबर मिनिमम लाना होगा, और अगर आप पीएच हैं तो आप 25 नंबर ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे। और ये बेल्ट्रॉन के अधिकारी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कितना नंबर लाना होगा तो कितना परसेंट का छूट मिलेगा। उनसे पूछने पर वो यही कह रहे हैं कि उच्च अधिकारी पर डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर पे पास करेंगे। तो बहरहाल नोटिफिकेशन में कुछ और निकाला जाता है और रिजल्ट में कुछ और निकाला जाता है। आप लोग बस मेहनत कीजिए, आप लोग बस ये सोचिए कि आपको 30 नंबर के ऊपर कैसे भी ला देना है ताकि आप सेफ जोन में रहें और आपका रिजल्ट बने, और टाइपिंग जी तोड़ मेहनत करके करते रहिए। हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है वह 2 से 8 सितंबर के बीच में हो जाए, अगर नहीं होगा तो और बेहतर होगा ताकि आपको और समय मिल जाए, और अगर हो जाता है एग्जाम तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सकें। चलिए कमेंट करते रहिएगा, मिलेंगे हम अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।